हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? सावन की खास हरतालिका तीज और हरियाली तीज के बाद अब आई है सखियों की प्रिय कजली तीज। कजली तीज इस बार 14 अगस्त को है और हर तीज और करवा चौथ की ही भांति कजली तीज पर भी महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए व्रत रखती है। कुमारी लड़कियां अच्छे वर की प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं और कजरी तीज पर घर घर में झूले डाले जाते हैं, कजरी गीत गाए जाते हैं। विशेष रूप से यूपी और बिहार में बहुत ही फेमस त्यौहार है ये, और तबले की थाप पर ढोलक बजाकर कजरी तीज पर नृत्य किए जाते हैं, गीत गाए जाते हैं। दोस्तों, आसमान में घुमरती काली घटाओं के कारण इसे कजरी कहा जाता है। और जो स्त्रियां होती हैं वो पोखर और नदी की मिट्टी से पिंड बनाकर उसमें जौ बोकर सींचती है। फिर जब इसमें पौधे निकल आते हैं, इन्हें तीज के दिन स्त्रियां अपने भाई और पिता के कान पर रखकर उनसे आशीर्वाद लेती है। इसे जरई खोसना कहते हैं और कजरी तीज देवी षोडशी के राधा स्वरूप और श्री कृष्ण की उपासना का पर्व है। इस दिन सुहागने राधा और कृष्ण का पूजन कर षोडशी मंत्र का उच्चारण करते हुए जौ से हवन भी करती हैं। और कजरी तीज पर तीन बातें त्यागने योग्य होती है। एक तो कभी भी अपने पार्टनर के साथ धोखा ना करें लाइफ में, कभी भी अपने पति को धोखा ना दें, छल कपट उनसे नहीं करें, उनसे झूठ ना बोलें और दूसरों की परनिंदा ना करनी चाहिए। इस दिन अन्न धन वस्त्र इनका दान करने से स्त्रियों को सुख संपत्ति और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। वहीं पुरुष जो इस दिन दान करते हैं वो चारों पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और कजरी तीज के दिन आप चाहे भोलेनाथ शिव पार्वती की पूजन करें या राधा कृष्ण का पूजन करें, इससे आपकी जो लव लाइफ है, रोमांटिक लाइफ है, पर्सनल जो मैरिड लाइफ है, पति पत्नी के संबंध हैं, ये बहुत सक्सेसफुल होते हैं और इम्प्रूव करते हैं। फैमिली लाइफ जो है आपकी बहुत परेशानियों से गुजर रही है तो वो इम्प्रूव होती है, शादी में आ रही बाधाएं दूर हो जाती है। दोस्तों, बहुत ही प्रचलित त्यौहार है और कहा जाता है कि एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था और भादों के महीने में जब कजरी तीज आई तो उसकी पत्नी जो ब्राह्मणी थी उसने तीज माता का व्रत रखा और ब्राह्मण से कहा, स्वामी आज मेरा तीज का व्रत है, कहीं से मेरे लिए खाने के लिए चने का सत्तू ले आइए। ब्राह्मण बहुत परेशान हो गया, बेचारा गरीब, मैं सत्तू कहाँ से लेकर आऊँ। इस पर ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मुझे किसी भी कीमत पर चने का सत्तू चाहिए। और इतना सुनकर ब्राह्मण रात के समय घर से बाहर निकल पड़ा और धीरे धीरे चुपके से एक साहूकार की दुकान में गया और चने की दाल, घी और शक्कर आदि मिलाकर 1.25 किलो सत्तू बना लिया। इतना करने के बाद ब्राह्मण अपनी पोटली बांधकर चुपचाप वहाँ से जाने लगा। तभी खटपट की आवाज़ सुनकर साहूकार का नौकर जाग गया और चोर 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 ऐसे आवाज़ लगाने लगा। ब्राह्मण को उन्होंने पकड़ लिया और साहूकार भी वहाँ आ गया। ब्राह्मण ने कहा, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी पत्नी ने आज तीज का व्रत रखा है, इसलिए आप देख लीजिए मैंने सिर्फ 1.25 किलो सत्तू बना करके लिया है। ब्राह्मण की तलाशी ली गई तो सत्तू के अलावा कुछ भी नहीं निकला। उधर चांद निकल आया, ब्राह्मण की पत्नी ब्राह्मणी इंतज़ार कर रही थी। साहूकार को उस पर दया आ गई और उसने कहा, आज से मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सत्तू, गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर अच्छे से विदा किया और सब ने मिलकर फिर कजली माता की पूजा की। बोलिए कजरी मैया की जय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार कजरी तीज भादो माह की कृष्ण पक्ष की तृतीय को मनाई जाती है और बड़ी तीज भी कहते हैं। राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार के कई इलाकों में कजरी तीज को बुढ़वा तीज या सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है हर सुहागन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। देखा जाए तो कृष्ण जन्माष्टमी के 5 दिन पहले मनाई जाती है और सभी पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करनी चाहिए, गौ माता की पूजा करनी चाहिए, घरों में झूले डालने चाहिए। और इस बार विशेष रूप से 2022 में कजरी तीज 14 अगस्त रविवार के दिन आ रही है। 14 अगस्त प्रातः 12:53 से तृतीय तिथि का आरंभ हो रहा है जो 14 अगस्त को रात को 10:35 तक है। और कजरी तीज पर जो शुभ संयोग है पूजन करने के लिए, आप चाहें तो अभिजीत मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग और विजय मुहूर्त है,
तो 14 अगस्त को दोपहर को 12:08 से 12:59 तक अभी जीत मुहूर्त रहेगा। आप चाहें तो पूजन कथा जो मैंने सुनाई है आपको वो आप सुन सकते हैं। आप चाहें तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। जो सर्वार्थ सिद्धि योग है वो रात को 9:56 से लेकर 15 अगस्त को सुबह 6:09 तक है। और विजय मुहूर्त आ रहा है 14 अगस्त को ही दोपहर को 2:41 से दोपहर को 3:33 तक। दोस्तों अद्भुत सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग में आ रही है ये कजरी तीज। सुकर्मा योग यानी कि बहुत ही अद्भुत शुभ योग सुबह से लेकर देर रात को 1:38 तक रहने वाला है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग और सुकर्मा योग दोनों ही पूजा पाठ के लिहाज से पति की लंबी आयु की कामना के लिए विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं। और जो लोग भी कजरी तीज का मुहूर्त जानना चाहते हैं तो बता दूं 11:59 से लेकर दोपहर को 12:52 तक रहने वाला है। सभी पूजा सामग्री जो कच्चा सूत वगैरह है, वस्त्र, केले के पत्ते, कलश, अक्षत, चावल, पीला वस्त्र, गाय का दूध, गंगा जल, पंचामृत, दही, मिश्री, शहद, जनेऊ, नारियल, सुपारी, दुर्वा घास, घी, कपूर, बेलपत्र, भांग, धतूरा, शमी के पत्ते, श्रीफल, चंदन, सभी चीज़ें आप एक जगह कर लीजिए जो भी पूजा पाठ की चीज़ें हैं। और सुबह आपको जल्दी उठ कर के शुभ मुहूर्त में उठें, जल्दी जल्दी सूर्य उदय के 2 घंटे के अंदर उठ के ये सभी कामों से निवृत्त हो जाइए। स्नान आदि कीजिए, तीर्थों में स्नान कर सकते हैं, घर में स्नान कीजिए और सूर्य देवता को 1 लोटा जल पूरब की ओर मुख करके, इसके बाद दक्षिणमुखी होकर के 1 लोटा जल पितृदेव के निमित्त आपको देना है। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः, ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः करके पितर को जल दीजिए। इसके बाद माता पार्वती का मनन करते हुए निर्जला व्रत का संकल्प लिया जाता है और सबसे पहले भोग बनाया जाता है। इस दिन भोग में मालपुए आदि बनाए जाते हैं और पूजा के लिए मिट्टी या गोबर का छोटा सा तालाब बना लें। इस तालाब में नीम की डाली रखी जाती है और उस डाल को चुनरी चढ़ाकर नीमड़ी माता की स्थापना की जाती है। फिर उनका पूजन होता है हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, चूड़ियाँ, लाल चुनरी, सत्तू, मालपुए ये चढ़ाए जाते हैं। धूप दीप जलाकर आरती कर ली जाती है और फिर जो व्रत की कथा मैंने सुनाई है वो सुननी चाहिए। शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में व्रत का पारण करके आप भोग आदि लेकर के जो प्रसाद है, आप चाहें तो इस दिन बायना निकाल करके अपनी सासू माँ को या सास समान स्त्री को भी दे सकते हैं। इस दिन आपको कोई महिला अगर गर्भवती है तो वो फलाहार कर सकती है दिन में। ऐसा नहीं कि फिर निर्जला व्रत रखें, तबीयत या किसी की तबीयत खराब हो तो दिन में फलाहार कर सकते हैं। और जो लोग भी राधा कृष्ण की पूजन करना चाहते हैं वो घर की उत्तर दिशा में हरा कपड़ा बिछाकर श्री राधा कृष्ण का झूला झूलते हुए या तो आप उनकी जुगल जोड़ी को स्थापित कीजिए या कोई चित्र है उसको स्थापित कीजिए। गाय का घी का दीपक जलाइए, चंदन से धूप करें, राधा जी पर मेहंदी चढ़ानी चाहिए, पीले फूलों से श्रृंगार करें, जौ, शक्कर, घी, मेवा इससे बना करके आपको सत्तू बनाना चाहिए और मीठा सत्तू आपको भोग लगाना चाहिए। और मिश्री और तुलसी का भोग लगाएं, मीठा पान चढ़ाएं और तुलसी की माला अगर आपके पास है या चंदन की माला है या स्फटिक की माला है तो उससे 3 माला का आपको जप करना है। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम, इस प्रकार से बोल करके आपको जप करने चाहिए। और बहुत सारा प्रयास करने पर भी अगर जीवन साथी को, आपके जो लाइफ पार्टनर है उनको कामों में सफलता नहीं मिलती है तो कजरी तीज का दिन है, राधा कृष्ण के मंदिर में आपको इलायची, 1 पाव इलायची या 100 ग्राम इलायची या 50 ग्राम ले लीजिए और वो अर्पित कर दीजिए और इस मंत्र को बोलिए, वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर मम, इस प्रकार से बोल करके इलायची अर्पित कीजिए। और फिर इस इलायची को आप मंदिर में अगर पूजा कर रहे हैं तो घर ले आइए और घर में कर रहे हैं तो अपने घर में एक डब्बे में स्टोर करके रख दीजिए। इसके बाद जब भी आपके जीवन साथी किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए घर से निकलते हैं तो ये इलायची उनको खाने को दीजिए, मुंह में दबा के जाए, देखिए उनका काम ज़रूर पूर्ण होगा। दोस्तों इस दिन आप चाहें तो शिव पार्वती का पूजन कर सकते हैं। चौकी पर पीला लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ पार्वती भगवान शिव को स्थापित करें, गंगा जल, गाय का दूध, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफ़ेद पुष्प, फल, चंदन, शहद, धूप दीप आदि से पूजन करें। कजरी तीज है तो भगवान शिव को पीला तथा माता पार्वती को लाल रंग के वस्त्र चढ़ाने चाहिए और फिर इन कपड़ों पर गांठ बांध करके आप अपने जीवन साथी का ज़रूरी सामान के साथ रख दीजिए। अगर आपका रिलेशन बहुत ख़राब है, बहुत परेशान है अपने रिश्ते से, आप
आपको लगता है बिल्कुल टूट ही जाएगा रिश्ता, तो डिवोर्स तक की नौबत अगर आ गई है तो वो भी दूर हो जाती है। वैचारिक मतभेद होते हैं वो दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपके जीवन साथी आपसे प्यार नहीं करते, आपको फील होता है कि मन चाहा प्यार नहीं मिल रहा है, तो आज के दिन माता पार्वती को श्रृंगार की चीज़ें अर्पित कीजिए और उसमें विशेष रूप से सिंदूर की डब्बी ज़रूर अर्पित करें। बाद में आप माता रानी को सिंदूर चढ़ा करके खुद के उनकी मांग से थोड़ा सिंदूर लेकर के आपको अपनी मांग में लगाना चाहिए। आप देखेंगे इन छोटे छोटे उपायों को करने से दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएँ दूर हो जाती है। दोस्तों, पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, दान दक्षिणा देना चाहिए। घर में जितनी बड़ी महिलाएं हैं सभी के पैर छूकर के आशीर्वाद लें और रात्रि में चांद निकलने पर श्रृंगार करके बिल्कुल तैयार होकर के हाथ में जो आप गेहूं के दाने लेकर के कथा सुनी थी आपने, उससे आपको हाथ में अर्घ देना है, चंद्रमा को अर्घ देना है, भोग लगाना है और अपने स्थान पर घूमकर चार बार परिक्रमा करना है। इसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। इस दिन आपको ध्यान रखना चाहिए, राधा कृष्ण पर मिश्री चढ़ा सकते हैं, इलायची जो चढ़ाएंगे वो संभाल कर रखें। और इस दिन अगर नुकसान से बचना चाहते हैं, आपके जो काम धंधा है उसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है, तो 12 तुलसी के पत्ते इस दिन आपको राधा कृष्ण की मूर्ति पर अवश्य चढ़ाने चाहिए। फिर इनको एक पुड़िया जैसी बना करके आप अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। और या फिर अगर तुलसी पत्र नहीं है तो जो सूखे धनिये के बीज होते हैं उसको भी आप चढ़ा करके इसको अपने तिजोरी में या पर्स में या कोई भी जो धन का स्थान है वहाँ पर रख सकते हैं। बच्चे अक्सर पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं कोई विशेष उपाय, तो आज के दिन कजरी तीज पर हरे पेन से आप श्रिम और क्लिम अपने टेक्स्ट बुक पर लिख लीजिए। क्या लिखेंगे अपने टेक्स्ट बुक पर? श्रिम और क्लिम। और हर टेक्स्ट बुक पर छोटे छोटे अक्षरों में हरे रंग के पेन से यानी ग्रीन कलर के पेन से आपको लिखना है। आप देखिए, आपको एजुकेशन में सक्सेस अवश्य मिलेगी। जो लोग भी पारिवारिक खुशहाली चाहते हैं, आज के दिन शाम के समय आपको अपने घर में जुगल जोड़ी की आरती करनी चाहिए। आरती जुगल किशोर हर की कीजिए, राधे तन मन धन न्योछावर कीजिए। इस आरती को कीजिए, आप देखिए आपके घर में जितने प्रकार के कलेश हैं पूरा परिवार सहित मिलकर के कपूर और लौंग से आरती कीजिए राधा कृष्ण की, और हरी मंत्र का जप करें, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आपके पास अगर अंगूर है थोड़े से तो वो भी आज के दिन आप भोग लगा करके बच्चों में बांट सकते हैं। और या फिर पांच लाल गुलाब के फूल आज के दिन आपको राधा कृष्ण पर चढ़ाने चाहिए। आपके पास अगर इत्र है तो वो आज के दिन राधा कृष्ण पर चढ़ा करके पति पत्नी आपस में रोज़ लगाइए 40 दिन तक। देखिए आपके जीवन में, आपके लव लाइफ में कितनी बढ़त होगी। और हरे हरे कांच की चूड़ियाँ आज के दिन राधा रानी को चढ़ा करके आपको किसी सुहागन को थोड़ी भेंट करनी चाहिए, साथ ही आपको भी ये पहनने चाहिए। दोस्तों, इस दिन जो भी स्त्रियाँ दुल्हन की तरह तैयार होकर के देवी पार्वती और शंकर भगवान की पूजा करती है उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान मिलता है। 16 श्रृंगार करें और गायों को विशेष रूप से आज के दिन पूजा करनी चाहिए। आटे की 7 लोई बना लीजिए, उस पर घी गुड़ रख करके गाय को खिलाने के बाद ही आपको भोजन करना चाहिए। तो अद्भुत तीज है दोस्तों, घर में झूले डालें, सभी लोग मिलकर के सभी स्त्रियां नाचें गाएं, ढोलक के थाप पर कजरी के गीत गाएं और आपकी जो लोक गीत होते हैं आपके जो समाज में गाया जाता है वो सभी स्त्रियां मिलकर के एक साथ ज़रूर गाएं। इससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और ध्यान रखें, निर्जला रह करके व्रत करना है तो चांद उदय अगर नहीं होता है रात को 11 बजे तक 11:30 बजे तक, तो अर्घ दे करके व्रत को खोल लेना है, क्योंकि बारिश का मौसम है तो अक्सर ऐसा होता है कजरी तीज पर चांद दिखाई नहीं देता, तो 11:30 बजे के बाद अर्घ दे करके आप व्रत को खोल लें। और चंद्रमा को कैसे अर्घ देंगे? जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाइए, भोग चढ़ाइए और चांदी की अंगूठी और आंखें जो आपने लेकर के कथा सुनी थी गेहूं के दाने हाथ में लेकर के उसमें जल देते हुए आपको अर्घ देना चाहिए और फिर एक ही जगह पर चार बार घूम लीजिए। दोस्तों, झूला अवश्य झूलें और मेहंदी ज़रूर लगाएं, सुबह सुबह लगा लीजिए अगर अभी तक नहीं लगाई आपने तो। बहुत ही खूबसूरत तीज है, संपूर्ण तीज की बातें मैंने बताई है आपको उपायों के साथ साथ, तो खुद भी करें और अपने फ्रेंड्स फैमिली मम्मी पापा भाई बहन बच्चे सभी लोगों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी जो सुहागन बहनें हैं
या जो सोच रही हैं कि मुझे शादी करनी है अब, तो उन सभी को कजरी तीज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी का सुहाग बाग बना कर रखे, आपके जीवन की सभी कठिनाइयों को दूर करें, यही मेरी सच्चे दिल से मनोकामना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की, जय कृष्ण कन्हैया लाल की, जय राधे रानी की।